अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों? आज हम एक नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, सी प्लस प्लस एडवांस्ड कोर्स। ठीक है, इसके अंदर हम सी प्लस प्लस को कवर करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हम सी प्लस प्लस के हमारे बहुत सारे के जो कोर्स हैं वो पैरेलल में चल रहे हैं, कोई एडवांस चल रहे हैं, कोई इंट्रोडक्टरी चल रहे हैं, कोई मीडियम लेवल के चल रहे हैं, और इस तरीके से हमारे सी प्लस प्लस के बहुत सारे कोर्स हैं। ठीक है, डिफरेंट कोर्सेज का मकसद ये है कि हमारा मेथडोलॉजी होगी उनको करने की। ठीक है, और हमको उनको डिफरेंट तरीके से करेंगे। ठीक है, तो वन वे और अनदर। ठीक है, हम हर कोर्स का एक अलग पर्पस रख के चल रहे हैं। ठीक है, किसकी के एंड पर हम कुछ और मेथडोलॉजी लेके चलेंगे, जिसके अंदर हम लोग कोई और प्रोजेक्ट कर रहे होंगे या किसी चीज़ पर हम फोकस करा रहे होंगे। ठीक है, तो इन सारे कोर्सेज का मकसद क्या है? इन सारे कोर्सेज का मकसद ये है कि हम लोग आप लोगों की सी प्लस प्लस की जो स्किल्स हैं वो आपकी इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, तो बगैर कोई टाइम ज़ाया किया आज की वीडियो के अंदर हम सी प्लस प्लस का जो हमारा कोर्स है उसके कंटेंट्स को चेक कर लेते हैं कि हम इस कोर्स के अंदर कवर क्या कुछ करेंगे। ठीक है, तो कंटेंट्स में सबसे पहले हम हिस्ट्री पर बात करेंगे। हिस्ट्री हमारी कंप्यूटर्स की होगी कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम किस तरीके से इवॉल्व होंगे, लेकिन इसको हम बहुत ज़्यादा कवर नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो है सी प्लस प्लस या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर। ठीक है, तो हम हमारा ज़्यादा फोकस होगा वो होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की हिस्ट्री पर। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे सी प्लस प्लस की बेसिक पर के किस तरीके से बेसिक क्या होती हैं, किस तरीके से रन होता है, कौन से टूल्स या क्या कुछ यूज़ होता है। उसके अलावा हम उसके अंदर कुछ इनपुट देंगे प्रोग्राम को, कुछ आउटपुट लेंगे। ठीक है, ये छोटे मोटे प्रोग्राम जो हम पहले बनाते थे वही बनाएंगे। उसके बाद हम इस तरह करेंगे कि उसके अंदर कंट्रोल स्ट्रक्चर्स डालेंगे जिसमें हमारी सिलेक्शन होगी या रिपीटिशन होगी, यानी सिलेक्शन में से हम कुछ कमांड्स देंगे। ठीक है, कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट देंगे जैसे इफ एल्स वगैरह वगैरह, और उसके अलावा हम रिपीटिशन में हम इस तरह कर देंगे कि कुछ लूप्स वगैरह डालेंगे। उसके अलावा हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन यूज़ करेंगे जिनके अंदर ऐसे होता है कि यूज़र अपने फंक्शंस बनाते हैं जिनको हम कॉल करते हैं, जिनके अंदर कोड कोड लिखा होता है जो प्रोग्राम को खुद बखुद एग्जीक्यूट कर देता है। यानी हमें कोड बार बार नहीं लिखना पड़ता बल्कि हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो वो वाला काम कर देता है। ठीक है, और उसके अलावा हम इस तरह करेंगे डेटा टाइप्स पर बात करेंगे। कुछ डेटा टाइप्स होंगी जो प्री डिफाइंड होंगी, यानी जो प्रोग्राम ने खुद बखुद हमारे लिए दी होती हैं, यानी बिल्ट इन लैंग्वेज के साथ आई हैं, लेकिन कुछ डेटा टाइप्स हम खुद भी बनाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम इस तरह करेंगे स्ट्रिंग्स पर बात करेंगे, एरेज और वेक्टर्स वगैरह पर, यानी डेटा स्ट्रक्चर्स के कुछ कंसेप्ट को कवर करेंगे। उसके अलावा हम रिकॉर्ड्स पर बात करेंगे जिन्हें अमूमन हम स्टोर्स कहते हैं। तो उसके बाद जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ऑब्जेक्ट ऊड या ऊप, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है किसी भी यानी हमारी जो लैंग्वेज है, कोई भी लैंग्वेज है। ठीक है, तो उसका ठीक है, तो उसके अंदर हम सबसे पहले क्लासेस पर बात करेंगे। उसके अलावा डेटा टाइप यानी एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स पर बात करेंगे, एब्स्ट्रैक्शन पर बात करेंगे किस तरीके से किसी चीज़ की एब्स्ट्रैक्शन की जा सकती है, जो चीज़ें नहीं मौजूद होती हैं उनको एब्स्ट्रैक्शन होती है। और उसके अलावा हम डेटा हाइडिंग पर करेंगे कि डेटा को कैसे हाइड किया जा सकता है यूज़र से। उसके अलावा उसमें हमारी उसके साथ साथ हम कंस्ट्रक्टर्स पर बात करेंगे कि किस तरीके से कंस्ट्रक्टर्स काम करते हैं, किस तरीके से कंस्ट्रक्टर्स ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, हमारी क्लासेस से। ठीक है, और उसके अलावा हम डिस्ट्रक्टर्स पर बात करेंगे कि किस तरीके से हमारे डिस्ट्रक्टर एंड पर रन होते हैं। ठीक है, और उसके अलावा हम बात करेंगे इनहेरिटेंस पर, यानी हम जो कोशिश करेंगे कि कुछ ऑब्जेक्ट्स के अंदर इनहेरिटेंस होगी, यानी ऑब्जेक्ट्स पेरेंट ऑब्जेक्ट से कुछ विरासत में चीज़ें लेंगे या उनके अंदर कुछ खूबियाँ पेरेंट ऑब्जेक्ट की आ जाएंगी। उसके अलावा हम कंपोजिशन पर बात करेंगे, पॉइंटर्स पर बात करेंगे, यानी मेमोरी को एड्रेस करने के लिए पॉइंटर्स यूज़ होते हैं। उसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट क्लासेज हैं, वर्चुअल फंक्शन है, यानी पॉलीमॉर्फिज्म की ये बहुत सारी कंसेप्ट हैं। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म पर, यानी एक ही ऑब्जेक्ट बहुत सारे डिफरेंट बिहेवियर देगा। उसके अलावा ओवरलोडिंग करेंगे, ठीक है, ओवरराइडिंग भी करेंगे, और उसके अलावा हम टेम्पलेट यानी बने बनाए कोड को यूज़ करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम इस तरह करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग, यानी अगर हमें कोई एरर वगैरह आ जाते हैं तो हम एरर्स को किस तरीके से डील करते हैं। ठीक है, हम उन एक्सेप्शंस को किस तरीके से पकड़ेंगे, उनको किस तरीके से हम थ्रो करेंगे या किस तरीके से हम उनको टैकल करेंगे। उसके अलावा हम रिकर्जन पर बात करेंगे, एक ही चीज़ को बार बार करने को रिकर्जन ये मूवमेंट कहते हैं, लेकिन लूप्स और रिकर्जन के दरमियान में आप लोगों को तब जाके एक डिफरेंस बताऊंगा। और इसके अलावा हम डेटा स्ट्रक्चर्स के बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, जैसे कि लिंक्ड लिस्ट हो गई हैं, स्टैक्स हो गए हैं, क्यूज होंगे, एल्गोरिदम्स, कुछ एल्गोरिथम्स भी हम छोटे मोटे कवर करेंगे। और उसके अलावा हम बहुत कुछ डिस्कस करेंगे, जैसे कि लैंग्वेज के रिजर्व वर्ड्स पर बात करेंगे, ऑपरेटर के प्रेसिडेंस पर बात करेंगे जो कि दरमियान में आएगी। उसके अलावा कैरेक्टर सेट पर थोड़ी सी बात कर लेंगे, जिसमें हमारा ASCII हो गया या EBCDIC हो गया,
और ऑपरेटर ओवरलोडिंग पर भी बात करेंगे, जिस तरीके से हमने पहले ओवरलोडिंग पर बात की थी, ठीक है। तो यहाँ भी हम इस तरह करेंगे, ऑपरेटर्स को किस तरीके से ओवरलोड किया जाता है वो बात करेंगे। उसके अलावा हम हेडर फाइल्स पर बात करेंगे कि हेडर फाइल्स क्या होती है, मेमोरी साइज पर भी बात करेंगे यानी मेमोरी बार, और स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, जहाँ से हम टेम्पलेट्स यूज़ करेंगे, कि उसके कंटेनर्स, इटरेटर्स या एल्गोरिथम्स वगैरह पर बात करेंगे, ठीक है। उसके अलावा हम पॉइंटर्स पर, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, पॉइंटर्स के से हम मेमोरी को एड्रेस करेंगे, उसके साथ साथ हम स्ट्रिंग्स के ऊपर ऑपरेशन करेंगे, यानी हमारी कोड ऑफ जो हमारी इंग्लिश में सिंपल स्ट्रिंग्स होती हैं उनके ऊपर ऑपरेशन करेंगे, और डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम पर बात करेंगे। तो अब आप सब लोग सवाल करेंगे कि हमें सी प्लस प्लस क्यों सीखनी चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि आजकल हम इंटरनेट बहुत कॉमन हुआ पड़ा है, आज से 20 साल पहले इतना इंटरनेट कॉमन नहीं था, ठीक है। तो आजकल के जो हमारे प्राइमरी के स्टूडेंट हैं वो भी इंटरनेट रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ वो इस तरह कर रहे हैं, कंप्यूटर्स को, इंटरनेट और कंप्यूटर दोनों को यूज़ करके वो इस तरह कर रहे हैं, अपने क्लासरूम के प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, जैसा कि हम लोग जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते थे, ठीक है। इसके अलावा लोग इस तरह कर रहे हैं कि इंफॉर्मेशन इंटरनेट से तलाश कर रहे हैं, उसके अलावा लोगों दूसरों के साथ कम्युनिकेशन का यूज़ कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, ईमेल यूज़ कर रहे हैं, लाइक लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, जूम या सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ है? तो ये सब पॉसिबल हुआ है सॉफ्टवेयर की मदद से, यानी अगर सॉफ्टवेयर ना होते तो ये सब पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर खुद ब खुद तो बने नहीं है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ हुई हैं, जिस तरह की हमारी एक सी प्लस प्लस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यानी मैं आप लोगों को यहाँ सॉफ्टवेयर का बता सकता हूँ कि सॉफ्टवेयर के बगैर कंप्यूटर एक यूजलेस डिवाइस थी, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आई जिन्होंने इस तरह किया कि सॉफ्टवेयर बनाने की हमें दी, ठीक है। तो उनमें से एक सी प्लस प्लस एक लैंग्वेज थी, ठीक है, एक लैंग्वेज है सॉरी, जो कि इस तरह करती है कि हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जिसकी मदद से हम अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करके अपने स्पेसिफिक टास्क कंप्लीट करा सकते हैं। किसी भी फील्ड का सॉफ्टवेयर हम यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। तो हमारे कोर्स का जो मकसद है कि हम चाहते हैं कि हम आप लोगों को सिखाएं कि सी प्लस प्लस के में प्रोग्रामिंग करके आप लोग कैसे अपने प्रोग्राम्स डेवलप कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम्स किस तरीके से राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे। तो चूंकि प्रोग्रामिंग डायरेक्टली नहीं शुरू करते, इससे पहले हम इस तरह कर लेंगे कि कुछ कंप्यूटर कंप्यूटर लैंग्वेजेस या कंप्यूटर्स की कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज या कंप्यूटर्स को थोड़ा सा अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, ताकि हम लोगों को पता हो कि हम कौन सी चीज़ को एड्रेस कर रहे हैं, वो क्या करती है और क्या कुछ होता है, ताकि हम इस तरह ना हो कि हम दीवार को बाद में सर मार रहे हो, ठीक है। तो शुरू में हम इस तरह करेंगे कंप्यूटर्स की हिस्ट्री और ये कुछ कंप्यूटर्स वगैरह को करेंगे, उसके बाद हम अपने टूल्स वगैरह, बेसिक्स वगैरह को करके अपने फॉर्मल प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस तरह करेंगे कि कुछ हिस्ट्री, कुछ टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।